दोस्तों क्या आपको भी नेम चेंज कार्ड चाहिए? जी हाँ गाइस, आज की वीडियो नेम चेंज कार्ड के ऊपर कहां से मिलेगा, क्योंकि फ्री फायर में ये अभी रेयर हो चुका है, ये आपको कहीं नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग जाते हैं अपनी प्रोफाइल वाले सेक्शन में तो यहां पे आपको डायमंड मांगता है कि भाई डायमंड दे दो, तभी जाके आप नेम चेंज कार्ड यूज कर सकते हो। लेकिन मेरे पास बहुत सारे नेम चेंज कार्ड है, ठीक। अगर मैं आपको दिखाऊं लाइव एग्जांपल, यहां पे अगर मैं कुछ भी नाम दे देता हूं, लेकिन यहां पे जैसे अगर मैं कंफर्म बटन पे क्लिक करने जाऊं तो यहां पे मेरे को नेम चेंज कार्ड अवेलेबल दिखा रहा है, प्लस 390 डायमंड भी है, ठीक है। 390 डायमंड अगर दोगे तो भी कर सकते हो, नहीं तो नेम चेंज कार्ड अगर है तो भी कर सकते हो। तो मेरे को कैसे मिलता है नेम चेंज कार्ड, इसी के ऊपर वीडियो है, ओके। तो सबसे पहला बात, नेम चेंज कार्ड आपको कहां से मिलेगा? सबसे पहले अगर मैं फ्री फायर के स्टोर वगैरह में जाऊं और यहां पे ढूंढू रिडीम वाले सेक्शन में, तो यहां पे गायब हो चुका है नेम चेंज कार्ड, लेकिन यहां पे अभी भी नेम चेंज कार्ड आपको आइटम में देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो डायमंड का है ना, तो डायमंड में कौन लेगा? तो दोस्तों देखो गाइस, यहां पे फ्री का भी नेम चेंज कार्ड मिलता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। सबसे पहले देखो, पहले क्या हुआ करता था, आपको गिल्ड वाले सेक्शन से मिल जाया करता था। जैसे हम लोग यहां पे टोकन अगर गिल्ड स्टोर में जाते थे तो हम लोग को मिल जाता, लेकिन ये अभी गायब हो चुका है। देखो अभी फ्री में लेने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहां पे क्लिक करना होगा, जो फ्रेंड वाले आइकॉन देख रहे हो गाइस, यहां पे फ्रेंड्स वाले आइकॉन में क्लिक करना, और यहां पे आपको नंबर 2 जो सेकंड वाला देखो, डायनेमिक डुओ, यस माय फ्रेंड, ये है डायनेमिक डुओ, आपको यहां पे चाहिए ये वाला बक्सा, ठीक है। ये गिफ्ट वाला जो बक्सा देख रहे हो गाइस, यही आपको चाहिए। आपको गिफ्ट वाला जो बक्सा है ये आपको कहां से मिलेगा, इसके बिना आप लोग अपना ना गाइस यहां पे नेम चेंज कार्ड फ्री में नहीं ले सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा यहां पे लक रॉयल पे। लक रॉयल पे जैसे जाओगे, यहां पे आप लोग को वेपन रॉयल दिख रहा है। वेपन रॉयल में आने के बाद आपको दिख रहा है गाइस ये तीन वाला गाइस, ठीक है। यहां पे हां, गोल्डन वाव इसका नाम है, तो यही आपको चाहिए। तो इसको क्या करना है, आपको स्पिन कर देना। अगर आपके पास 1000 कॉइन है या फिर कितने भी लाखों कॉइन है, स्पिन करके बस इसको निकालना है। मेरे पास तो अभी एक है फिलहाल। अब यहां पे करना क्या होता है, आपको अपनी फ्रेंड के साथ यहां पे डायनेमिक डुओ का रिक्वेस्ट सेंड करना है। जैसे वो फ्रेंड आपका डायनेमिक डुओ का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, अब दोनों साथ में मिलके खेलना। कितना गेम खेलना है, टोटल 300 गेम। जैसे आप लोग 300 पॉइंट कर ले तो हर एक गेम में आपको एक पॉइंट मिलता है। अपना बड़ी का साथ खेलो, जो अपना बड़ी है डायनेमिक डुओ, उसके साथ ही खेलना है, ठीक है। याद रखना, अपना टीम में स्क्वाड ही भर लो, लेकिन उसके साथ डुओ बना के खेलो। तो पहला तरीका है। दो और तरीका है जिससे हम लोग को नेम चेंज कार्ड मिलेगा। सेकेंड नंबर जो तरीका है गाइस, वो है अपना फ्री फायर का FF इवेंट्स। यस माय फ्रेंड, बहुत सारे फ्री फायर का इवेंट्स आते रहता है। लाइक हाल ही में अभी फ्री फायर में एक इवेंट चल रहा है, अगर आप लोगों को पता होना चाहिए, यहां पे केओस इवेंट। केओस इवेंट में गाइस, जैसे हम लोग एक्सचेंज वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहां पे 40 टोकेंस में, ठीक है। अभी मेरे पास 14 टोकन है, आप लोग देखो सेक्शन वाले यहां पे, ठीक है, ऊपर दिखा रहा है इसमें ब्लैक कलर का 14 टोकन। यहां पे जैसे मेरा 40 टोकन हो जाएगा तो मुझे यहां पे रिडीम कर सकते, ठीक है, मैं आराम से रिडीम कर सकता हूं गाइस यहां पे अपना। तो आपका गिल्ड लीडर भी बोलता होगा कि भाई नेम चेंज कर लो, नहीं तो आपको गिल्ड में घुसने नहीं दूंगा, नहीं तो आपको किक कर दूंगा, ये सब बोलता है ना। तो उनको बस बोलो कि भाई मेरे पास टोकन होने दो, मैं कैसे भी करके नेम चेंज कार्ड ले लूंगा। क्योंकि फिलहाल अभी जो मिशन चल रहा है गाइस, यहां पे एक मिशन आया है जिससे आप लोग यहां पे स्पिन करोगे ना गाइस, आपको यहां पे देखो गाइस वाउचर मिलता है, ठीक है, मतलब वाउचर मिलेगा जिससे आप लोग स्पिन कर सकते हो। यहां पे आप लोग को इनकम्प्लीट दिखा रहा है मेरा, क्योंकि गाइस अभी तक मैंने अपने फ्रेंड के साथ मैच नहीं खेला, ठीक है। अपना बस फ्रेंड के साथ मैच खेलो, और यहां पे आप लोग 8 मैच खेलोगे ना तो आपको 3 वाउचर मिले, ठीक है। अब यहां पे 3 वाउचर मिलेगा तो क्या होगा, हम लोग यहां पे केओस इवेंट में जाएंगे वापस से, एंड यहां पे स्पिन कर देंगे। अगर हम लोग का लक होगा तो 100 टोकन भी मिल जाएगा, नहीं तो यहां पे हम लोग को जमा करना पड़ेगा 5, 2, 3, यहां पे 10 भी ऐसे करके जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है केओस इवेंट का। नहीं तो आप लोग को मिस्ट्री शॉप आता है, उस मिस्ट्री शॉप में कभी कभार क्या होता है, आपको नेम चेंज कार्ड दिया जाता है, उधर से भी आप लोग परचेस कर सकते हो। फिलहाल मैं अगर आपको दिखाओ बिग डेडी में कितना सारा नेम चेंज कार्ड है, तो यहां पे आप लोग देखो कितने सारे नेम चेंज कार्ड है। अभी 6 टोटल नेम चेंज कार्ड है मेरे पास, जो पहले भी था और कुछ कुछ अभी का भी है, ठीक है।